चैप्टर को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद में हमने पहला जो पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फंक्शनिंग और कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हमने जो एग्जांपल लिया है वो है हमारा डेनियल सेल, ठीक है। डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन क्या है वो हमें हमें बिल्कुल क्लियर है। दो कंपार्टमेंट है, जेड एन एस ओ फोर इधर इलेक्ट्रोड है, किधर आपका लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपका सी ओ एस ओ फोर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और वो कॉपर रोड उसमें डिप्ड है, इधर जिंक रोड इसमें डिप्ड है, ओके। ये आपका अब अगली जो टर्म है वो आपको पता चली एनोड। एनोड कौन से इलेक्ट्रोड को बोलते हैं, जहां पर क्या हो रहा है, देखो एनोड के नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं जिसपे ऑक्सीडेशन होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, कोई सा भी सेल हो, पूरे चैप्टर का ये डिफॉल्ट है, ठीक है। इसी तरह से कैथोड उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं जिसपे रिडक्शन होता है, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, ओके। अब ये हो गया, तो इलेक्ट्रोड हमने समझ लिए, एल ए ओ एन भी हमने समझा, ठीक है, कि लेफ्ट में हमेशा एनोड होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और उसपे निगेटिव चार्ज होता है, और ये जो एल ए ओ एन है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए फिक्स आपका लेफ्ट में एनोड, ऑक्सीडेशन और निगेटिव चार्ज, ठीक है, ये फिक्स है। अब दूसरा जो है वो था, हाँ आप बताओ भाई क्या इसमें प्रॉब्लम है, फटाफट बता दो। यस एनीवन प्लीज। सर ये फिर यहाँ पे हमने माइनस और प्लस साइन लगाया ना सर, बस एक बार माइनस वो बता। माइनस और प्लस साइन ये इंडिकेट कर रहे हैं किस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और किस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इट मींस रिडक्शन कहाँ हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है। जिंक इलेक्ट्रोड पे टू इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं यहाँ पर, क्योंकि जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और जेड एन एस टू प्लस की फॉर्म में जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के सोल्यूशन में आ जाता है और दो इलेक्ट्रॉन इस रोड पे रह जाते हैं, वो उन दो इलेक्ट्रॉन के एक्सेस की वजह से यहाँ पर निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है ना। और सर इसके CuSO4 में तो CO2+ एब्जॉर्व कर लेता है ना सर इलेक्ट्रॉन, हाँ तो यस न्यूट्रल हो यस जाएगा ना सर यस, वो, नहीं, न्यूट्रल तो नहीं, इसमें पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रल नहीं। देखो यहाँ ये थोड़ा सा डाउट है ना, इसको एकदम क्लियर कर लो। एक तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बेसिकली किस टेंडेंसी को बता रहा है वो समझ लो। हम अब एक चीज ध्यान रखना हमेशा, ये जो चार्ज है ना, ये यहाँ पे तो हमें समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर इसके ऑपोजिट में, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर उन इलेक्ट्रॉन्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो रहे हैं, इसलिए इस इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में, इस इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में इस पर पॉजिटिव चार्ज हम लोग कंसिडर करते हैं। बात समझ में आई, इस कौन सा एनोड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हम लोग कंसिडर करते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज इस बात को इंडिकेट करता है कि ये जो मेटल है कौन, Cu है ना, इसके जो Cu2+ आयंस है ये दो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके यहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं, इसका मतलब इसमें रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ये बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को इंडिकेट करता है। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होना, और आपका जो ऑक्सीडेशन है वो ये रिलीज है, वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन वहां रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए जहां रिलीज हो रहे हैं वहां उसको हम निगेटिव चार्ज से सिंबलाइज करते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, बेसिकली ये टर्मिनल है, देखो ये सेल के टर्मिनल है, बात को आप समझो, ठीक है, ये टर्मिनल्स हैं, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं उसको हम निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हम लोग लिखते हैं ये एनोड के निगेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में है, ठीक है, क्योंकि यहां पर कैथोड पे ऑपोजिट प्रोसेस हो रहा है एनोड से, ठीक है। कोई रेस्पॉन्स नहीं, हाँ या ना, यस नो, कुछ यस नहीं। सर, और ये तो हुई एक बात, ठीक है। अब दूसरी बात, आपने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो नोट कर ली, ये देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो आपका एनोड टू कैथोड हो रहा है, ए टू सी, ठीक है। और करंट फ्लो का जो डायरेक्शन है वो हमेशा इसके ऑपोजिट होता है, कैथोड टू एनोड, ये चीजें हमने कल नोट की है। दूसरी बात, यहाँ पर जो एनोड है जिंक रोड है, ठीक है, जिंक रोड का मास कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता चला जाता है, जेड एन एस ओ फोर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाती है, कॉपर रोड का जो मास है वो इंक्रीज होता चला जाता है, और कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, जब आप
सेल को कनेक्ट कर देंगे तो सेल वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहेगा तब तक करंट फ्लो होता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जब तक यहाँ ऑक्सीडेशन होता रहेगा वो इलेक्ट्रॉन उधर जाकर के वहां यूज होते रहेंगे, तो वहां पर क्या बोलते हैं क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहेगा तब तक करंट फ्लो होता रहेगा सेल में, और सेल हमें वोल्टेज देता रहेगा। धीरे धीरे यहाँ पर एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। ठीक है ना, तो और कैथोड पे भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कम हो जाता है जिससे वोल्टेज डाउन हो जाता है। इसीलिए सेल को आपने देखा है सेल स्टार्टिंग में ज्यादा पावर देता है, वो धीरे 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 डाउन होता चला जाता है सेल। ठीक है, क्योंकि उसका जो वोल्टेज है वो डाउन वो वोल्टेज है वो गिर जाता है। ठीक है, ऐसा आप रिमोट की बैटरी में भी फील करते हैं कि सेल का जो वोल्टेज है वो डाउन हो जाता है, वो इसीलिए होता है। तो है ना, अब ये देखो, अब यहाँ पर सोल्ट ब्रिज है। देखो सोल्ट ब्रिज ये इंश्योर करती है कि आपका जो सेल है वो स्मूथली फंक्शन करे, है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोल्ट ब्रिज से, है ना। इससे पहले आप लोगों को ये तो पता ही चल गया कि आपका जो एनोड है उसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, बताना जरा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और कैथोड में कौन सी हो रही है आपकी, बताओ, कैथोड में रिडक्शन। कैथोड में हमेशा फिक्स